अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका भाई मुबीन अहमद और आपके लिए लिखे हुए ये 3 मरला का कॉर्नर कैटेगरी का ब्रांड न्यू घर। हमारा ये नया घर तैयार हुआ है। इस घर में आपको 3 बेडरूम मिलेंगे और बड़ी फैमिली वाला घर है कॉर्नर कैटेगरी का, जिसकी फ्रंट की टाइल आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरीन इस घर की फ्रंट की टाइल को यूज़ किया गया है। RCC लेंटर के साथ तैयार किया गया और रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है। कॉर्नर साइड भी आपको दिखा दूं तो ये फ्रंट पर टाइल लगी हुई है, एक साइड पर अभी जो है वो पेंट का काम रहता है, वो आपको जो है मामला तय होंगे तो करवा कर दिया जाएगा। नया घर है और बेहतरीन इस साइड पे भी आपको देख सकते हैं 3 विंडो लगी हुई है। घर को वेंटिलेशन रखने के लिए बेस्ट जो है इस घर में तैयार किया गया है। घर का मेन डोर काफ़ी सॉलिड है। इसके अलावा 20 फीट का रोड है, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी टोटल एरिया आपको आबाद मिलेगा। और दूसरी कॉर्नर साइड भी दिखा दूं तो आपको कि यहाँ पर कॉर्नर भी है, 2 रोड इसको बैक वक्त लगते हैं, तो इस साइड पे अब आप देख सकते हैं और करीब ही यहाँ पर आपको मस्जिद मिलेगी साइड पे और साथ ही आपको जो है वो पार्क भी मिलने वाली है। तो तमाम फैसिलिटीज़ घर के करीब है। आप आबादी भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्री इंतकाल के साथ मुकम्मल एरिया आबाद आपको इंशाल्लाह मिलेगा। तो जिनका बजट कम है, फैमिली बड़ी है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। तो आप वीडियो कम्प्लीट देखें, इंशाल्लाह घर आपको इंटीरियर वाइज भी पसंद आएगा। तो ये इस घर का गैराज, छोटी गाड़ी महरान आल्टो के लिए गैराज रखा गया है। नीचे टाइल फ्लोरिंग घर में बड़ी खूबसूरत है। घर में अभी कुछ सफाई वगैरह होने वाली है, कुछ जगह पर पेंट का काम रहता है, वो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आपको कंप्लीट करवा कर दी जाएंगी। सीलिंग के डिज़ाइन पूरे घर में सिंपल रखे गए हैं। नीचे आपको टाइल फ्लोरिंग पूरे घर में 12x12 की मिलने वाली है। निशेस तैयार की गई हैं, 3 बेडरूम है, तीनों आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। तो ये गैराज आप इजीली जो है यहाँ पर गाड़ी पार कर सकते हैं, छोटी गाड़ी जो है। और गैराज से सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर के लिए सेपरेट। सबसे पहले इस घर का पहला बेडरूम और वाशरूम आपको विज़िट करवा दूँ तो इस साइड पे इस घर का पहला बेडरूम, इसको आप बैठक लगाएं, ड्राइंग रूम लगाएं तो ये आपका बनता है। तो यहाँ पर भी आपको टाइल फ्लोरिंग खूबसूरत सी यहाँ पर की गई है और सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो और रीजनेबल साइज़ का ये आपका कमरा बनता है। ऊपर आपको सीलिंग के डिज़ाइन खूबसूरत है, ऑफ वाइट पेंट और कंट्रास्ट से पेंट का यहाँ पर काम आपको देखने को मिलने वाला है। और ये आप विंडो देख सकते हैं कि यहाँ पर घर को जो हवादार रखने के लिए बेस्ट जो है काम यहाँ पर इंशाल्लाह रखा गया है। कॉर्नर का यही फ़ायदा होता है कि आपका घर जो है वो रोशन भी होता है और हवादार भी होता है। ये इस घर का वाशरूम, जिसको आप एज अ पॉडरूम समझ सकते हैं, 6 फीट हाइट तक टाइल वर्क का काम किया गया है और सीट की ऑप्शन के साथ मिलेगा। सेंट्री का काम अभी हमारा रहता है, इंशाल्लाह करवा के दे जाएगा। और सीढ़ियों के नीचे आपको लॉन्ड्री एरिया के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर पॉइंट आपको प्रॉपर तैयार करके दे जाएगा जिसमें आप वाशरूम मशीन वगैरह लगा सकते हैं। 2 बेडरूम आपको फ्रंट पर मिलेंगे। ये सबसे पहले किचन, जो कि आपको एक बड़े साइज़ का खूबसूरत तरीन किचन यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसमें आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपरली विंडो और कैबिन क्वालिटी भी आपको जो है इस बजट के हिसाब से बेस्ट मिलने वाली है। टॉप है को ग्रेनाइट मार्बल यूज़ किया गया है और ये आपको देख सकते हैं कि जो शीट है किचन की वो बड़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिलने वाली है। और एक रीजनेबल साइज़ का किचन यहाँ पर आपको इस जो है वो घर में इंशाल्लाह मिलने वाला है। तो सामने आपको 2 बेडरूम है, दोनों आपको इंशाल्लाह विज़िट करवा देता हूँ। तो ये इस घर का आपका दूसरा बेडरूम आ गया, जो कि आपको फुल साइज़ में रखा गया है। यहाँ पर बगैर टाइल फ्लोरिंग खूबसूरत है, सिर्फ सफाई होगी तो टाइल की शाइन आप देखेंगे बेहतरीन रखी गई है। ऊपर आपको सीलिंग के डिज़ाइन सिंपल और खूबसूरत से मिलने वाले हैं और इस साइड पे आपको विंडो वेंटिलेशन के लिए। तो खूबसूरत सा घर है। बेडरूम भी आपको देख सकते हैं कि फुल साइज़ का ये बेडरूम आपको रखा गया है और ये भी आपको देख सकते हैं कि खूबसूरत सी जो है आपको विंडो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए इंशाल्लाह बेस्ट ऑप्शन मिलने वाली है। साथ में इस घर का आपका तीसरा बेडरूम दिखा दूं, जो कि अटैच बाथ और वेंटिलेशन के साथ ही रखा गया है। ये इस घर का तीसरा बेडरूम है। सामने आपको कंट्रास्ट सा पेंट, अगेन वही टाइल फ्लोरिंग आपको की गई है और सिंपल से अंदाज में यहाँ पर भी सीलिंग वर्क का काम किया गया है। और बेडरूम भी आपको साथ में दिखा दूँ तो ये भी आपको जो है फुल साइज़ का बेडरूम यहाँ पर मिलने वाला है। तो 3 बेडरूम है और एक बैठक लगा लें, 2 आप इसको कमरे लगा लें। ये बैक साइड पे वेंटिलेशन एरिया, मोटर पंप लगा कर देंगे, गीज़र वाली वायरिंग की गई है। यहाँ पर इस वाशरूम में भी सफाई होने वाली है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। बेसन शावर, तमाम चीज़ें जैसे आपके साथ मामलाते होंगे तो हर चीज़ आपको ऑलरेडी इंशाल्लाह कंप्लीट करवा कर दी जाएगी। तो 3 बेडरूम 2 वाशरूम रखे गए, गाड़ी का गैराज और एक प्यारा सा किचन यहाँ पर सेटअप किया गया है। और सिर्फ 36 लाख रुपये इस घर की डिमांड है और जिसमें कुछ माइनर सी कमी बेशी हो सकती है। सीढ़ियों पर अभी स्टेनलेस स्टील का जंगला लगने वाला, वो आपके साथ मामलाते होंगे तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा कर इंशाल्लाह दी जाएंगी। छत भी आपको देख सकते हैं कि 5 मरला की जितनी बड़ी छत होती है, तो आपको 3 मरला कॉर्नर की वजह से आपको बड़े साइज़ की छत यहाँ पर मिलने वाली है।
और इस करके अब लोकेशन साथ में आपके शेयर कर लीजिए। तो इस टाइम हम मौजूद हैं न्यू ग्रीन सिटी हाउसिंग सोसाइटी में, न्यू ग्रीन सिटी हाउसिंग सोसाइटी गजुमता अहलू रोड लाहौर में ही आती है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली है। और बाकी अब सराउंडिंग में देखिए टोटल एरिया आबाद है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सराउंडिंग में घर ही घर जो है वो नज़र आएंगे। और जैसे मैंने थंबनेल पर भी शो किया हुआ है, सिर्फ 36 लाख रुपये, 36 लाख रुपये में आपको इंशाल्लाह ये रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर मिल जाएगा। बाकी मज़ीद डिटेल, मज़ीद मालूमात के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो उसके लिए आप फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई को दो में लाजमी याद रखिएगा। और लाहौर शहर में सस्ते तरीन घर अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।